on it. नहीं किया था कहीं मिला ना वो भर के लाने के लिए 700 रुपए लगते कितना नहीं 700 नहीं है ओ यार 700 है सिलेंडर टाकी भरवायला अरे नंतर सबसिडी जमा होते यांचे आपण 700 जमा होते का हां 700 तो 700 नाही हां आता तर 14 रुपये सबसिडी होऊन राहिलो किती 14 रुपये 14 14 रुपये फक्त एका टाकी माग हो पहिले चांगली आली 250 वो तो होगा होगा ना आपला इसका कार्ड जो होगा इसके अंदर नहीं ये बायोगैस का बना दीजिए ये बगा देते कहीं सोपे हुए थे 50,000 का ऐसे फड्डा आपको खोदना बगा ना मैंने ये बोथा में दिया बोथा के अंदर दिया आपके गांव में बनाना है थोड़ा सा वो भाई को बोलो बोलो फॉर्म भर दिए क्या बोला तुझे आपका भी सर भर दिया ना उस दिन हमने आया तक अरे आप भाई दिखा मैं ट्रॉली भर खत आपण त्यात भरलं मग आपल्याला दोनच टोपले लागतो रोजचं तो दोन टोपले तर आपल्या रस्त्यावर मी नाही आता भेटून राहिले दोन टोपले आता सगळे नको भर काय दिले कुठे मिळणार आहे नाही तुम्हाला स्वतःची जनावर पाहिजे स्वतःची जनावर पाहिजे नाही नाही आपण बघा तुम्ही तुमचं खरबटे टाकू शकता तुम्ही म्हणजे झाल्यानंतर भांडे कुंडे धुता ना ते पाणी लोक टाकू शकता तुम्ही त्याच्यात ते गॅस तयार होतो त्यानंतर भाजीपाल्याचा कचरा तो गॅस तयार होतो म्हणजे मेथी निवडली शेपूपाला निवडला पालेभाजी कुठली निवडली उरलेली सगळे टाकली तरी चालते त्याच्यामध्ये तो पण तेच काम करते गॅस कारण जनावर तेच तर खाते जनावर गोबर तयार करते म्हणजे काय मशीन थोडी आहे ते चारा खाऊनच करते ना मग तो उरलेला चारा तुमचं निवडलेला भाजीपाला टाकलं तरी चालते उरलेलं शिळं अन्न टाकलं तरी पण चालते आणि दुसरं जर आहे तुम्ही जर परवानगी दिली तर तुमचं टॉयलेटचं पण जोडू हा जोडू शकतो पण ते आपलं लोक थोडा असा आहे तुम्हाला आहे डोळ्यांना आहे आणि घराला पण सगळं घर काळ सर फूल भेटायचंय तर आज आला तर तर रोज लाकडं घेऊन येता की महिन्यातूनच एकदा घेऊन येतो सगळे किती वर्षाचा जंगलात ना हा किती वाजेपर्यंत संपतो धंदा बारा आणि सकाळी किती वाजता उठता 5 वाजता उठल्यापासून मग सगळे मावा बनाते आती रही है तो इनको मावा बनाने के लिए क्या करते हैं इनको चूल्हा जला के उसमें कढ़ाई में दूध कॉन्सनट्रेट करते हैं उसके लिए लकड़ी लगती है अब ये मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प आने के बाद इनके निस्तार की जो हक्कत है उसको लिमिटेशन आ गए और साइमल्टेनियसली एक बात अच्छी हुई है कि जो अपना भारत सरकार का MSME जो सूक्ष्म मध्यम लघु मध्यम सूक्ष्म मंत्रालय जो है गडकरी साहब जी का वो उनके अंतर्गत KVIC ये प्रोजेक्ट के लिए स्फूर्ति योजना लाई है स्फूर्ति स्कीम लाई है स्फूर्ति स्कीम में क्या है हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग है मिल्क प्रोसेसिंग है दुग्ध प्रक्रिया है और ट्रेडिशनल जो भी पारंपरिक उनके व्यवसाय है उनको सहयोग से काम चल रहा है जो कि काम अभी ग्राउंड लेवल पे या ग्राम लेवल पे अपने यहाँ मोथा गाँव में या चिकलदरा में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में शिव प्रभु बहुउद्देशीय संस्था करी है उनके चेयरमैन जो है सुनील भालेराव जी है इनके कोऑर्डिनेशन में ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है अभी मावा बनने के लिए यहाँ तो प्रोजेक्ट दिया है CFC बोलते हैं हम उसको कॉमन फैसिलिटी सेंटर तो उसके वो तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर वहाँ है शाहपुर में है लेकिन जो दूध उत्पादक या खवा उत्पादक है उनके यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी सुविधा नहीं थी इसलिए गोबर गैस का प्रावधान बना दिया गया मतलब गोबर गैस की जो आइडिया है उससे क्या होगा उन लोगों को जो लकड़ी लाने के लिए तकलीफ होती थी लकड़ी लाने के लिए वो जंगल में जाते थे जंगल से वापस घर आने के लिए उनका कोई इंश्योरेंस नहीं था खुद का मतलब वो श्योरिटी नहीं थी जानवर थे या जंगली जानवर या आसवल शेर इनका भी धोखा था लकड़ी रात शाम के देर तक आना पड़ता था उनको और दिन हर सप्ताह या सप्ताह में दो तीन बार उनको जाना पड़ता था
अभी बायोगैस उनको अल्टरनेटिव दिया गया है। बायोगैस से क्या होगा, उनके खुद के जो कैटल है मतलब गौवा है, उनका गौवा का और भैंस का सेन उनको अपने आप घर मिल जाएगा। और लगता कितना है, दो टोकरी सेन से वो गोबर गैस तैयार हो जाएगा। तो उनके आँखें बच गई है जो कार्बन डाइऑक्साइड है धुआं से, और घर में जो मतलब पूरा घर काला बन जाता था, अभी वो भी मतलब ये पोल्यूशन फ्री हो गया, घर पोल्यूशन फ्री हो गया, बच्चे पोल्यूशन फ्री हो गए, वो जितने भी ज्येष्ठ नागरिक थे घर में उनको भी उनकी तकलीफ कम हो गई है। तो ये सिम्बायोटिक प्रोजेक्ट है, मतलब सहजीवन है, जानवर से गोबर मिलेगा, गोबर से गैस मिलेगा, गैस से खवा मावा तैयार होगा, और मावा से उनकी आर्थिक उपलब्धि होगी। तो ये संक्षिप्त में ये पूरा आत्मनिर्भर का एक साइक्लिक फ्लो है, ये बहुत अच्छा है। ये अगर यहाँ सक्सेस हो गया तो आजू बाजू के जितने भी तहसील है या पूरा भारत में जहाँ जहाँ गौवा का पालन होता है वहाँ ये करने के लिए डेमो पायलट प्रोजेक्ट है, इससे उनको प्रेरणा मिलेगी। और ये पूरा भारत के जितना भी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसके लिए काम आएगा। ओके, गैस आला तेव्हापासून याच्या करून राहिलो। हा गॅस आला नि कस काय फायदे झाले, मस्त फायदे झाला, स्वयंपाक गुंडाला धुवा नाही होत घरात काहीच नाही। त्याच्या लाकडं किती कुठं कुठं आणत त्या जा लागते तिकडे होत्या 10 किलोमीटर, दिवसभर 2 गठ्ठे येतात बस। लाकडं आणलं काही त्रास वगैरे होतो? हा मग राय महिन्यात घुसा लागते, इंधन काढा लागते। वन विभाग जे फॉरेस्ट वाले काही थांब म्हणत होते तुम्हाला लाकडं आणायला, मग आता कल्ला अल्ला तर करतातच दादा, की बा कायले कापून राहिल्या कायले काढून राहिल्या। जेव्हापासून हे गॅस आता आपल्या इथे सुरू झालं तेव्हापासून कसं काय मस्त ना स्वयंपाक कशावर करता आता मग तुम्ही? त्या याच्या गॅसवर करता, पहिले चुलीवर करा। काय डोळ्या वगैरे त्रास होतो? हा डोळ्याचं मग ते धुऊन मारले तर डोळ्याचा अंगार होते तसा आहे। आता होते का? नाही आता नाही हो, समाधानी आहे का? हा तर मस्त ना समाधानी। एकदा नाव ठेवा ना, भांडे ठेवून द्यायचे। भांड्याचं घेऊन माझं बंद जाईल, तुम्ही वेळेस लाईट लावलं पाहिजे।